आपकी पहली फिल्म है ये जी, बात कर रहे हैं मराठी इंडस्ट्री में, एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ऑफ कोर्स पहली फिल्म रहती है तो एक्साइटमेंट तो रहता ही रहता है। हम ये जान के और ज़्यादा खुश हुए कि जिस तरीके से अभी हमारा ट्रेलर प्रेजेंट हुआ और काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, तो हम काफ़ी खुश हैं, अभी एक्साइटेड हैं 2 मार्च में जब ये थिएटर्स में आएगी। तो पार्थ हो गए, ऋषिकेश जोशी हो गए, ऑफकोर्स ये सब बड़े एक्टर्स हैं, तो हम फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं, तो हमारी ऑफकोर्स इच्छा होती है कि इन सबको कास्ट करें, पर हम ग्रेटफुल है कि उन्हें भी स्टोरी पसंद आई और उन्होंने हमारे फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। पतंग के ऊपर ये फिल्म है, तो फिरकी को एक्चुअली एक तो चक्री जो होती है पतंग का माना, उसको फिरकी भी कहा जाता है, और दूसरा उसका दूसरा मीनिंग भी है कि किसी की फिरकी लेना, ये वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जा रहा था वो, तो फिर हमने उसको फिरकी टाइटल दिया। जिस तरह से बच्चों को दिखाया गया, बच्चों की पूरी स्टोरी है, ये फिल्म दिखा देते कि बच्चे, तीन बच्चे जो अपनी अपनी धुन में खोए रहते हैं, उस थॉट को मतलब कहाँ से आपने या उस पर चलो फिल्म बनाई? ये बेसिकली वो एक इनोसेंस की कहानी है, और एक इनोसेंस में से कैसे आप गिर के या कुछ करके एक छोटे से सिंपल तरीके से एक रास्ता निकालते हो, तो ये उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आया था, फिर हमने उसको ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स में डेवलप किया और ये वो आगे बढ़ा। डेफिनेटली यही कहना चाहूँगा कि अगर मीनिंगफुल सिनेमा और आपको अगर सेंसिबल सिनेमा बनाने की इच्छा है, तो उसके लिए मराठी सिनेमा में ही ऑडियंस है उस तरीके का, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आगे ऑफ कोर्स फ्यूचर तो है ही, जिस तरीके से अभी मराठी सिनेमा भी आगे प्रोग्रेस कर रहा है, तो काफ़ी ब्राइट लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे?